वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का सवाल था, वो कहते हैं कि मैं नौकरी अपने शहर से बाहर करता हूँ, मुझे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जाना पड़ता है, मैं घर में 1 महीने बाद कभी 2 महीने बाद चक्कर लगता है। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं घर बाज़ दफ़ा आता हूँ तो मेरी बीवी हालत हैज़ में होती है और मेरे ऊपर शहवत का गलबा होता है। अब क्या अपनी बीवी से हालत हैज़ के अंदर मैं किस तरह अपनी ख्वाहिश को पूरा करूँ, मैं क्या तरीक़ाकार है, क्या अपनी बीवी से अपनी मुश्त जनी करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, क्योंकि हालत हैज़ के अंदर बीवी से हम मिश्र तो कर नहीं सकते, तो ख्वाहिश को कैसे पूरा किया जाए, इसके बारे में गाइडलाइन कर दीजिए, हमें बता दीजिए। देखिए मेरे भाई दोस्तों और बुज़ुर्गों जो मेरी बात को समात फरमा रहे हैं, हालत हैज़ के अंदर तो हम बिसरी करना गुना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयसअलूनक अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़। वो आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, उनसे कह दीजिए कुल हुवा अज़न, ये गंदगी है, फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, हैज़ की हालत में बीवियों से दूर रहा करो, दूर का मतलब हम बिसरी से दूर रहा करो। अगर शोहर पर शहवत का गलबा है, शोहर को पता है अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं बहुत बड़े गुनाह में मुलव्वस हो सकता हूँ, तो फिर शरीयत इस बात का इख्तियार देती है, इजाज़त देती है कि उसकी बीवी उसको हाथ से फारिग कर दे, जिसको मुश्तरी कहते हैं। लेकिन कोशिश ये की जाए कि अपनी बीवी से मालूम कर लिया जाए कि भाई आपको आपकी जो हैज़ है वो कब ख़त्म होगा, उस वक्त चक्कर लगा लिया जाए, कोई तरतीब ऐसी बना ली जाए, कोई जैसे कि आता है आने से पहले बीवी को इत्तिला कर दो ताकि वो आपके लिए तैयार हो जाए, आपका इंतज़ार करे, तो आपको ये तरतीब बना लीजिए। हो सकता देखिए ना, महीने बाद आ रहे हैं, 8 छुट्टियों के लिए आ रहे हैं और उसके हैज़ के दिन भी 7-6-7 होते हैं, किसी के 3 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, तो इसलिए आपको परेशानी होगी। पहले आप तय कर लीजिए कि मैं आ रहा हूँ, जब हैज़ ख़त्म हो जाए उस वक्त आप आ जाइए, ताकि आपको अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भी आपको आसानी पैदा हो। तो लिहाजा मालूम हुआ कि इजाज़त तो है लेकिन मकरूह तंज़ीही है, ठीक है जी। ये था आज का मसला, जो यकीनन आपको समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाया करें यार, आपकी बहुत मेहरबानी है। चैनल को सब्सक्राइब के साथ वाली घंटी को भी दबाया करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।